जी आज मैं बनाने लगी हूँ सेमियाँ। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इसके लिए चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि क्या चाहिए होंगी। यहाँ पर मैंने सेमियाँ ली हैं 200 ग्राम्स। इसको मैंने इस तरह से बीच में से तोड़ के इतने इतने टुकड़े इसके कर लिए हैं। ये मैंने लिया है शुगर के साथ, मैंने इसका ऑलरेडी शीरा बना लिया है पानी डाल के। तो इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये मैंने इसका शीरा बना के इसके अंदर यहाँ पे रख लिया है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर रेड फूड कलर। फूड कलर इज़ ऑप्शनल, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बेशक इसको ना इस्तेमाल करें। इसके बगैर भी आप इसको सिंपली बना सकते हैं। ये मैंने ली है कोकोनट, फ्रेश कोकोनट है, इसको इस तरह से पीसीज में काट लिया है। ये मैंने जो चीज़ें ली हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें से जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल कर लें। मैंने ये तीन चार चीज़ें ली हैं, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, अखरोट है। ये है मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रीन कार्डेमम है, ये मैं यूज़ करूँगी। और इसको मैं बनाऊँगी असली घी में। आप ऑयल में बनाना चाहते हैं ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट घी के अंदर बहुत अच्छा बनता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन ले लिया, फ्लेम कर लिया ऑन। इसमें ऐड करूंगी मैं असली घी। ये चला गया। इसके बाद इसके अंदर सेमी ऐड कर लेंगे। सेमी को हमने थोड़ा सा इतना भूनना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। इसका बिल्कुल ही कलर चेंज नहीं करना। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। एक मिनट इसको इस तरह से भूनेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर कोकोनट ऐड करूंगी। फ्लेम जो है वो मीडियम पर ही रखेंगे। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी है। मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूंगी ये फ्रेश कोकोनट जो मैंने काटी थी और इलायची। इसको सेमियों के साथ हल्का सा भून लेंगे। कोकोनट का भी अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि कोकोनट को घी के अंदर हल्का फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सेवियाँ जो है अच्छा सा इसका कलर चेंज हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर ये जो शीरा मैंने बना के रखा था इसको ऐड करूँगी। शीरा
खीरे के अंदर मैं एक फूड कलर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा, तो कर लेंगे मिक्स। ये हो गया मिक्स। अब मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर प्याज कर दूंगी। कर लें। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं इसके अंदर डालूंगी और कुछ जो है मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको घी के अंदर फ्राई किया था, तो ये हाफ टन तो हो गई थी। अब शीरा डालने के बाद इसको कुछ देर हमें पकाना है। दो से तीन मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे, उसके बाद इसको चेक करते हैं। अभी इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेंगे। सीवियां जो है हमारी अच्छे से गल चुकी हुई हैं, सॉफ्ट हो चुकी हुई हैं। सेवियाँ जो है हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं शीरा इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है, ज़बरदस्त तैयार हो गई हैं। और मैं इसको
सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम कर देंगे बंद बिल्कुल। सेमियों को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है, आप भी ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।